नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों बात करूंगा यहाँ सुजलॉन एनर्जी की, और मैं कहूंगा इतना बुरी कदर फंसे दोस्तों इसमें रिटेल निवेशक। और अगर आप मेरी पुराने वीडियोस देख रहे हैं, मैंने हमेशा कहा है इस शेयर से अगर स्विंग ट्रेड कुछ लेना चाहते हैं ओनली, बट दिस कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट इस कहना चाहिए जिस अभी इनकी फाइनेंशियल कंडीशन है मुझे सही नहीं लगता। और आप देखिए क्या होता है कि कंपनी के रिजल्ट आते हैं और उसके बाद फिर तेजी होती है। इन तमाम चीज़ों में बात करूंगा दोस्तों और समझाऊंगा कैसे रिटेल निवेशकों को फंसाया जाता है और क्यों ऐसी कंपनी से हमें दूर रहना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, ये अचानक से इतनी भयंकर गिरावट शुरू क्यों हो गई है, क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, तो इन तमाम चीज़ों में बातें करेंगे दोस्तों, चर्चा होगी। अगर ऑलरेडी इसमें निवेशित हैं तो आपको ये वीडियो देखना पूरा चाहिए, और अगर निवेश की सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो तब भी पूरा अंत तक देखना चाहिए, तब आपको समझ में आए कि आप क्या आप इस प्रकार का रिस्क ले सकते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें ताकि वीडियो औरों को शेयर हो दोस्तों, और चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर देखिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा लेके चलूंगा शेयर प्राइस की तरफ। गाइस देखिए आज 5% के आसपास की गिरावट हुई है। कितनी? 5% के आसपास की आप कह सकते हैं एक बड़ी गिरावट इस शेयर में देखने को मिल रही है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं जो ये गिरावट है दोस्तों 5% से ज़्यादा है, 5% के आसपास की, ये मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। और इस 5% गिरावट से ज़्यादा डेंजरस है कि इस 5% गिरावट का रीज़न, वो मैं आपके साथ थोड़ी देर में 2 मिनट में चर्चा करूँगा दोस्तों। लेकिन पहले देखिए, सिर्फ 5 दिनों में दोस्तों इस स्टॉक में देखिए 13% की गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है दोस्तों। देखिए 13% ज़्यादा की गिरावट ये शेयर 5 दिनों में दिखा चुका है दोस्तों। और आप पिछले 1 महीने की बात दिखाऊं तो आप देखिए कितना ज़िगज़ैग रहा है ये, देखिए आप, मतलब ये आप चार्ट देख रहे होंगे, इतनी वॉलिटिलिटी है दोस्तों पिछले 6 महीनों में। ये इस वक्त आता है दोस्तों 6 रुपये 17 दिसंबर, और उसके बाद ये तेज़ी भगाया जाए शेयर को, लगभग आप मानिए 88% की तेज़ी। और जितने रिटेल निवेशक हैं वो एकदम से मतलब बुलिश हो जाते हैं कि भाई यही कंपनी है जिसमें हमें निवेश करना है, ठीक है। और फिर आता है Q3 रिजल्ट जिसमें कंपनी प्रॉफिट बुक कर लेती है, और फिर से एक यूफोरिया बनता है कि यहाँ से तो तेज़ी और भी ज़्यादा होगी और भी ज़बरदस्त होगी, ठीक है। लेकिन जब तेज़ी हो जाती है, रिटेल निवेशक एक कहना चाहिए अच्छा खासा अमाउंट ऐसी कंपनी में निवेश कर देता है, फिर एक खबर आती है जो बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा निराशाजनक तो है ही लेकिन डराने वाली रहती है। वो क्या न्यूज़ है दोस्तों, आप देखें, आप देखिए सुजलॉन एनर्जी सीक 4,200 करोड़ बेल आउट फ्रॉम गवर्नमेंट ओन PFC एंड REC। द कंपनी हैड नेट डेट ऑफ नियरली 6,405 करोड़ एज ऑफ सेप्टेम्बर लास्ट ईयर। दोस्तों ये चाह रही है कि भाई आप बेल आउट दें किससे, फ्रॉम गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी PFC और REC से, यानी कि सुजलॉन एनर्जी 4,200 करोड़ का दोस्तों बेल आउट पैकेज मांग रही है। नाउ सुजलॉन एनर्जी अ लॉस मेकिंग रिन्यूएबल पावर फर्म हैज सॉट 4,200 करोड़ बेल आउट फ्रॉम द गवर्नमेंट ओन पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC एंड REC। अकॉर्डिंग टू बैंकिंग सोर्सेज सुजलॉन एनर्जी हैज प्रपोज दैट बिकॉज REC एंड PFC हैव स्पेशलाइज नॉलेज अबाउट द पावर सेक्टर, द टू इंस्टीट्यूशन आर इन अ बेटर पोजिशन टू एड्रेस द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द कंपनी। यानी बेसिकली ये कह रहे हैं कि भाई जो PFC है और जो REC है, वो कंपनी क्या है दोस्तों पावर सेक्टर में काफ़ी तगड़ा नॉलेज रखती है, और उन्हें पता है कि भाई वो मतलब कहना चाहिए एक ज़्यादा अच्छी पोजीशन में या ज़्यादा समझदार है कि जो उन्हें एक स्पेसिफिक नीड है कंपनी की सुजलॉन की वो पूरी कर पाएंगे। उन्हें 4,200 करोड़ का बेल आउट पैकेज चाहिए। अब आप मुझे बताइए, जब पुराने समय से लगातार मैं सिर्फ एक ही बात कह रहा हूँ सुजलॉन में कि इसके फिनेंशियल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, रिटेल निवेशक प्लीज़ इससे दूर रहें। अगर आप 6 रुपये 5 रुपये के आसपास आए थे, एक अच्छी खासी रैली आपने लगभग 80 to 90% की एक ज़बरदस्त रैली आपने देख चुके हैं, आपने पा चुकी है, प्लीज़ अपनी प्रॉफिट बुक कर लें, या एटलीस्ट इतना तो कर ही लें कि आपको अब शेयर केवल फ्री वाले रखे रहें, क्योंकि गिरावट इसमें होगी दोस्तों। क्योंकि पहली बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं जो अभी बाजार में चल रही हैं, जिस प्रकार की कहना चाहिए एक आप कह सकते हैं जो लिक्विडिटी थी
जो लिक्विडिटी थी वो बाजार में गायब है। ठीक है, आप निकल के आ रही कि एक हाईली डेट कंपनी है आप। और जितनी भी ज्यादा देखिए, सबसे कीजिए इसकी वैल्यूएशन, इसके वैल्यूएशन जो इतने ज्यादा, मैं कहूंगा जितनी भी पॉजिटिविटी थी आप कह लीजिए, जितनी भी अच्छाई थी, ये सब एब्जॉर्ब करके सब चीजों को अपने प्राइस कि ना कि अपने शेयर प्राइस में इन्होंने एड ऑन कर लिया और शेयर बहुत तेजी से भाग भी गया। अब कोई ना तो ऐसा ट्रिगर बचा है और ना ही कोई ऐसी चीजें बची है जहां से शेयर को एक बहुत तेजी आनी चाहिए। और आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आपको मैं दिखाऊं आगे भी कि एक बहुत ही अच्छी आर्टिकल थी, दैट सुजलॉन एनर्जी रेसिंग अगेंस्ट टाइम टू क्लियर डेट। ठीक है, ये 7 फरवरी का आर्टिकल है कि सुजलॉन एनर्जी जो दोस्तों ये रेस अगेंस्ट टाइम है टू क्लियर डेट। ठीक हैज एन एस्टिमेटेड डेट ऑब्लिगेशन ऑफ 882 करोड़ टिल सितंबर 2022। ठीक है, आप देखिए, इट इज अ रेस अगेंस्ट टाइम फॉर द फाइनेंशियली चैलेंज सुजलॉन ग्रुप, इंडिया लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ विंड एनर्जी सोल्यूशन, टू क्लियर इट्स एंटायर डेट अंडर द वन टाइम सेटलमेंट प्रपोजल विच नीड टू बी मेट विद इन 3 वीक्स। दोस्तों, इनका एक प्रपोजल था जहां पे ये वन टाइम सेटलमेंट करते पूरे डेट को, इनके पास अब केवल 3 वीक का समय बचा हुआ है। और ये मैं कहूंगा यही चीज है जो अब शेयर में रिफ्लेक्ट हो रही है, अब जो चीजों को डरा रही है। और जो अभी निकल के आ रही है कि सुजलॉन कह रहा है कि भाई मुझे 4,200 करोड़ का एक बेल आउट पैकेज चाहिए, तो आप समझिए एक ऐसी कंपनी जो इतनी ज्यादा कहना चाहिए फाइनेंशियली चैलेंज है, क्या इसमें कहना चाहिए आप निवेश इन्वेस्ट की राय रख सकते हैं? देखिए, मैं आपका नहीं पता, मैं पर्सनली बताऊं, मैं इस शेयर में 1 रुपए भी नहीं डालूंगा दोस्तों। जब मैं कहता हूं ना, मैं इस शेयर में 1 रुपए भी नहीं डालूंगा, क्योंकि देखिए आप कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, कंपनी कई बार सिर्फ सेम ऐसे ही काम करती आई है। लगता है कि अब सब चीजें अच्छी होंगी, तभी पता चलता है इतना ज्यादा डेट है, इनको इतना ज्यादा इंटरेस्ट पे करना है कि वापस से चीजें खराब होने लग जाती हैं दोस्तों। और वही हो रहा है सुजलॉन एनर्जी के साथ। आप देखिए, सुजलॉन एनर्जी को आप कह लीजिए कि बहुत ज्यादा हाइप किया गया, रिटेल निवेशक तो मतलब इस तरह इसमें निवेश करना शुरू किए। मैंने जब इसमें लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, आप कह लीजिए बहुत ज्यादा डिसलाइक आई थी, क्योंकि मैंने लगभग 7, 9, 9.5 रुपए के आसपास बनाया था और शेयर भाग के 12 रुपए चला गया था, 12, 12.5 रुपए। तब लोगों ने कहा था कि यार कुछ आता नहीं है, पता नहीं है, इतनी अच्छी रैली आ गई है। भाई ये मोमेंटम बाइंग होती है, बाजार में तब लिक्विडिटी थी, पैसे को बाजार, गधे और घोड़े दोनों प्रकार के शेयर अपने टॉप स्पीड में चल रहे थे। बट अब चीजें जो दोस्तों काफी चेंज हो गई हैं। ठीक है, अब उस प्रकार की रैली आपको कहना चाहिए स्टॉक में, सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में कतई से कतई नहीं दिखने वाला दोस्तों। ठीक है, जो कहना चाहिए एक प्रकार से जिस जो रैली इसने पिछले काफी समय दिखाई है, अब वो रैली बिल्कुल नहीं दिखने वाली दोस्तों। ठीक है, एक कहना चाहिए उस रैली से पहले एक कॉन्स्टेंट आया, कहना एक कंसोलिडेशन आया था जब सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में शेयर चल रहा था। वापस या तो शेयर अब वही हो जाएगा, कोई भी एक बड़ी रैली मुझे नहीं लग रही। हाँ, कल को अगर कुछ हो जाता है कि सरकार कुछ रियायत देती है या कोई एक छोटी सी न्यूज़ फ्लो आती है, आप फिर देखेंगे कि वापस से अचानक से 2-3 दिन में 10-12% की रैली आपको दिख जाएगी इस शेयर में। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो एक मोमेंटम बाइंग होगी, एक ऑपरेटर ड्रिवन रैली होगी, कोई भी ठोस या फंडामेंटल चीजें चेंज इस शेयर में नहीं होंगे दोस्तों। इसीलिए आपसे फिर कहूंगा, प्लीज अभी कंपनी का जो कहना चाहिए जो अधर में लटकी हुई कंपनी है उनसे दूर रहे। बाजार में जबरदस्त जबरदस्त कंपनियां दोस्तों जो एक से एक प्राइस में मिल रही हैं, आप एचयूएल देख लें, एचडीएफसी देख लें, एचडीएफसी बैंक देख लें। और जब बाजार में गिरावट हो तो इसी प्रकार के जो कहना चाहिए दोस्तों एक आ, आ, एक एक आ, कहना चाहिए जो अच्छी कंपनीज होती हैं, जो मार्केट लीडर होती हैं, उनके साथ हमें जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक अगर आप जुड़े हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक कीजिए और उनके साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों, कोई भी पोजीशन मारने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है, यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।